गाइज़ वेलकम बैक टू माई चैनल तो गाइज़ आज मैं आपको रेड चिली फ्लेक्स बनाना बताऊंगी गाइज़ ये बिल्कुल फाइव मिनट रेसिपी है और झटपट बन जाती है मार्केट में ये बहुत ही महंगे रेट पे मिलते हैं और गाइज़ ये रिक्वेस्टेड वीडियो है मुझसे किसी ने पूछा था रेड चिली फ्लेक्स और रेड चिली पाउडर में क्या डिफरेंस है तो आगे मैं वो आपको बताऊंगी घर पे रेड चिली पाउडर बनाना भी बताऊंगी और मार्केट और दोनों में डिफरेंस भी दिखाऊंगी तो गाइज़ आप देख सकते हो कुछ चिली रेड चिली मैंने ले लिया है ऊपर से इनके जो डंठल होते हैं उसे निकाल लेने हैं गाइस आप आप यहाँ पे देख सकते हो कि मैंने फ्राई पैन गैस पे हीट होने के लिए रख दिया है आप इसको कढ़ाई में या कोई भी बर्तन में कर सकते हो गाइस यहाँ पे दो चॉइस है आपकी आप या तो इसे गर्म हीट करके कर सकते हैं या धूप में हमें बस इनको गर्म करने से हीट करने से मतलब है जिससे कि इनके जो अंदर का मॉइस्चर रहता है वो सूख जाए टाइट हो जाएंगे तो आप यहाँ पर इस, इसको धूप में रख कर भी कर सकते हैं और नहीं धूप है तो आप इस तरह से गर्म कर सकते हैं तो गाइस मुझे झटपट आपको दिखाना है तो चलिए मैं आपको इस पर तो ये इसे फ्राई पेन हिट होने के बाद इस पर फैला देना अच्छी तरह से आपको जितना भी बनाना है आप उस क्वान्टिटी में ले सकते हैं और गैस यहाँ पर ध्यान है हमें इन्हें लाल नहीं करना है हमें गैस का फ्लेम ऑफ कर देना है और इन्हें अच्छी तरह से फ्राई पैन गर्म है चलाते रहना है चलाते हुए देखना है कि जब ये टाइट हो जाते हैं दो मिनट लगते हैं गाइस जब फ्राई पैन हिट है तो थोड़े से जब टाइट होते हो जाएंगे गाइस तो आप देख सकते हो ये देखिए इस तरह एकदम फ्रेश होना चाहिए इस तरह टाइट हो गया है तो गाइस अब इस इस कंडीशन पे हमको इनको नीचे एक जिस भी बर्तन में निकालना है निकाल कर आप देख सकते हो ये बर्तन पे मैंने निकाल लिया है गाइस अब इनको मिक्सर के जार में हमें डाल देना है गाइस तो गाइस यहाँ पे मैंने आपको जैसे बताया यहाँ पे आपकी दो च्वाइस है और एक चीज़ ध्यान देने की बात है गाइस कि अगर आपके रेड चिली बहुत ज़्यादा मोटे और बहुत ज़्यादा तीखे हैं तो आप उनको गर्म करने से पहले उनको ऊपर से उनका जो बिया अंदर होते हैं बीज होते हैं उनको निकाल दीजिए नहीं तो वो बहुत ज़्यादा तीखे हो जाएंगे मेरे में बहुत कम बीज थे इसलिए मैंने नहीं निकाला ये आपके लिए ध्यान देने की बात है अब गाइस अब इसको मिक्सर में हमें एक बार अच्छी तरह से ग्राइंड करना है बस ज़्यादा नहीं चलाना है महीन आप देख सकते हो ग्राइंड करने के बाद हमें इस तरह कुछ इसको इस तरह ही बस निकालना है गाइस आप देख सकते हो तो कितने अच्छे झटपट पाँच मिनट की रेसिपी है गाइस झटपट बनकर रेडी हो गए और यही अगर आप मार्केट में लेते हैं तो गैस बहुत ही महंगे रेट में मिलते हैं घर पे ये इतने बनाने में मुश्किल से पाँच रुपये भी नहीं लगे हैं गाइस और ये इतने मार्केट में अस्सी रुपये के डिब्बी आती है तो गाइस आप देख सकते हैं अब आप कोई भी एयर टाइट डिब्बा जिसमें भी आपको रखना है एयर टाइट होना चाहिए जिससे कि उस वो ज़्यादा दिन तक अगर हमें ये ज़्यादा तो डेली यूज होता नहीं गाइस इसे हमें स्टोर करके रखना है तो आपको मैं दिखा रही हूँ कोई भी एयर टाइट डिब्बा आप ले सकते हो इस तरह के आप उस उस पे ढक्कन लगाकर इस तरह अच्छी तरह से टाइट इसको बंद करके रख सकते हैं जब आपको इस्तेमाल करना हो आप निकालें और फिर इसको टाइट आप ये कम तो से कम महीनों दो चार छः महीने भी आपकी ये ख़राब नहीं होते हैं गाइस तो चलिए गाइस अब आप मैं आपको दिखाती हूँ रेड चिली पाउडर घर पे कैसे बना सकते हैं तो गाइस आप जब वो जिस कंडीशन में मैंने निकाला था उसको और महीन कर देंगे हम अच्छी तरह से खूब चलाते हुए फिर हम चलने से चाल लेंगे इसको देखिए आप इस तरह से तो गाइस अभी आपको मैं दिखाऊँगी मार्केट का भी आप देख लीजिएगा ये देखिए घर के बिल्कुल रेड नहीं होते हैं गाइस मार्केट के जो होते हैं आपको मैं साइड में देख ले रखी हूँ मार्केट के जो होते हैं उसमें रंग कलर मिलाए रहते हैं इसलिए गाइस वो बहुत ज़्यादा रेड दिखते हैं तो आप